Welcome friends, today we learn class 10th lesson 7, The Man Who Knew Too Much, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता था. I first meet private cults at the training depot. मैं सबसे पहले जो private cults नामक व्यक्ति है, उसको प्रशिक्षण का जो भंडार गृह है, वहां मिला. A man is a liable to acquire in his first week of army life. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सैन्य जीवन के प्रथम सप्ताह में ये सभी संभावनाएं रखता था. टुगेदर विथ हिज यूनिफॉर्म, एक तो अपनी पोशाक, राइफल बंदूक एंड इक्विपमेंट और सामान, और इनके साथ में ही ए निकनेम या एक उपनाम. एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु सा प्राइवेट कल्च, जिसने प्राइवेट कल्च को देखा. अब यहां से देखना प्राइवेट कल्च, अब यहां पर प्राइवेट कल्च की विशेषताएं हैं. लेंकी यानी थिन एंड टाल, स्टूपिंग कंधा झुकाए हुए, फ्राउनिंग भ्रकुटी तनी हुई, थ्रो हॉर्न रिम्ड स्पेक्टल्स और उसके मोटे काले चश्मे थे. अंडरस्टूड, यह समझा जा सकता था वाई ही वाज नोन एज द प्रोफेसर, कि क्यों उसको प्रोफेसर के रूप में जाना जाता था. दोज हु हैड एनी डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट, और यदि किसी व्यक्ति को इस बात पर कोई शंका होती, लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट्स, तो ये सभी 5 मिनट में गायब हो जाते. कन्वर्सेशन विद हिम, उसके साथ बातचीत के ऊपर. आई रिमेम्बर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्केटरी, मेरे को याद है वह प्रथम पाठ जो कि एक राइफल की क्रियाविधि पर था. वी स्टूड इन ए अटेंटिव सर्किल, हम एक सजग रूप से एक गोले में खड़े हुए थे. वाइल ए सर्जेंट, ए मैन एज डार्क एंड सन ड्राइड एज रेजिंस, एक सर्जेंट लेवल का जो अधिकारी, जो कि सूर्य के अंदर उसकी जो त्वचा है वो सन ड्राइड, सूर्य में काली पड़ गई थी, एज रेजिंस, जैसी किशमिश हो जाती हैं. वीरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन, से वह उत्तरी पश्चिमी जो फ्रंटियर रिबन या फीत है, ऐसी पोशाक पहने हुए था. डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ए सर्विस राइफल, और वह सर्जेंट है, वो सर्विस राइफल की जो मैकेनिज्म या क्रियाविधि उसको बता रहा था. द मजल वेलोसिटी और स्पीड एट विच द बुलेट लीव द राइफल, यानी बंदूक से बाहर निकलते समय जो गोली की गति है. ही टोल्ड यू, उसने हमें बताया, इज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, यह 2000 फीट प्रति सेकेंड से ज्यादा होती है. ए वॉइस इंटरप्टेड, और एक आवाज ने हस्तक्षेप किया या टोका. 2440 फीट पर सेकेंड, 2440 फीट पर सेकेंड, इट वॉज द प्रोफेसर, और यह आवाज प्रोफेसर की थी. दैट्स राइट, यह सही है. द सर्जेंट सेट विदाउट एंथुसियाज्म, उस सर्जेंट ने बिना किसी उत्साह के कहा. एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, और उसने अपना भाषण जारी रखा. वेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया. ही पुट क्वेश्चंस टू अस, उसने हमारे सामने कुछ प्रश्न रखे. एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज, और शायद इस वापस प्रश्न उत्तर के बदले में. ही टर्न्ड विथ हिज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर, उसने बार बार अपने प्रश्न हैं वो प्रोफेसर की ओर रखे. द ओनली रिजल्ट वाज टू एनहेंस द प्रोफेसर ग्लोरी, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो प्रोफेसर है उसकी महिमा है वो और ज्यादा बढ़ गई. टेक्निकल डेफिनेशन से तकनीकी परिभाषाएं, द पार्ट ऑफ द राइफल, राइफल का हिस्सा, इट्स यूज एंड केयर, इसका उपयोग और उसकी देखभाल. ही हैड देम ऑल बाय हर्ट, इन सब चीजों को उसने दिल से याद किया था. द सर्जेंट आस्ट, उस सर्जेंट ने पूछा, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, क्या तुमने पहले कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है क्या. द प्रोफेसर आंसर्ड विथ ए फ्रेज, उस प्रोफेसर ने एक वाक्यांश के साथ में उत्तर दिया. दैट वाज टू बिकम फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, और यह वाक्य हम सबके सामने बहुत ज्यादा परिचित हो गया. नो सर्जेंट, इट्स ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, यह तो एक बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन करने का परिणाम है. दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम, और यह हमारा उसके साथ में परिचित था. वी सून लर्नड मोर अबाउट हिम, हम जल्दी उसके बारे में बहुत ज्यादा जान गए. ही सा टू दैट, और उसने देखा. ही मिंट टू गेट ऑन,
कि उसने इन सब चीजों को प्राप्त किया। ही टोल्ड अस, उसने हमें कहा, ही हैड ब्रेन्स, वह दिमाग रखता है, ही वाज श्योर टू गेट ए कमीशन, और वह आश्वस्त है कि उसको सेना में बड़ा पद मिल जाएगा, बिफोर लॉन्ग, कभी ना कभी, एज ए फर्स्ट स्टेप, और इसके प्रथम चरण के रूप में, ही मीन टू गेट ए स्ट्रिप्ड, वह अपनी वर्दी पर एक फीत द प्राप्त कर लेगा। इन प्रस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन, अपनी एम्बिशन या महत्वाकांक्षा का पीछा करते हुए, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन कार्य किया, ही हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, और उसके लिए उसको साख दी जानी चाहिए, ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स, उसने कुछ प्रशिक्षण की छोटी किताबें खरीदी, उधार ली, एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग देम, और वह रुका रहा देर तक उनको पढ़ने के लिए, ही बेड ग्रेड द इंस्ट्रक्टर से, वह जो प्रशिक्षक है उसको तंग किया करता था विथ क्वेश्चंस पर्सन पूछ करके, ही ड्रिल्ड विथ एंथुसियाज्म, वह अभ्यास करता था उत्साह के साथ में, एंड ऑन रूट मार्चेज, और सैन्य प्रयाण के दौरान, ही वाज नॉट ओनली मेराकुसली टायरलेस, वह न केवल चमत्कारिक रूप से थकता नहीं था, बट इन्फ्रिटेड अस, लेकिन हमें प्रोत्साहित करता था, ऑल विथ हिज होरिबल हर्टिनेस्ट, अपनी भयानक जिंदा दिली के द्वारा। वाट अबाउट ए सॉन्ग, बेचैप से लड़को, अब ये गाना हो जाए, इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 मील्स, और 30 मील की यात्रा के बाद में इस चीज का कभी भी स्वागत नहीं किया जा सकता। हिज सैल्यूट एट द पे टेबल, और उसका जो सैल्यूट है वेतन देने की टेबल के ऊपर, वाज ए मॉडल ऑफ बिहोल्ड, वह एक देखने का नमूना होता। वेन ऑफिसर वर इन साइट, ही वुड स्वेलिंग हिज स्किनी आर्म्स, और जब अधिकारी लोग हैं वो साइट पर होते तो उसकी चमड़ी है वो झूलती रहती, एंड मार्च टू द कैंटीन लाइक ए गार्ड्समैन, और वह कैंटीन की ओर एक गार्ड्समैन की तरह जाता। एंड डे इन एंड डे आउट, दिन में और दिन के बाद में, ही लेक्चर टू अस इन हिज ड्राउनिंग रिमोर्सलेस वॉइस एवरी आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, तो वह हमें भाषण देता भिन भिनाते हुए, बिना किसी पछतावे के, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर। एट फर्स्ट वी हैड ए सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम, सबसे प्रारंभ में तो हम उसके लिए थोड़ा सा रेस्पेक्ट या आदर रखते थे, बट सून, लेकिन जल्दी ही, वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, हम उसके पहुंच से भयभीत हो जाते। वी ट्राई टू हिट बैक एट हिम विथ क्लोमजी सरकाज्म, हम उसके ऊपर व्यंग करते भद्य तरीके से, व्यंग रूप में, एंड प्रैक्टिकली जोक्स और व्यवहारिक मजाक, द प्रोफेसर स्कार्सली नोटिस, और वह प्रोफेसर मुश्किल से इन चीजों पर ध्यान देता। ही वाज टू ब्यूजी वर्किंग फॉर इज स्ट्रेप, वह अपनी वर्दी की फीत के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था। इस टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक, और प्रत्येक जब हम में से कोई भी व्यक्ति कोई मिस्टेक या गलती करता, द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम, तो वह प्रोफेसर उसको सार्वजनिक रूप से ठीक करता। व्हेनेवर, जब कभी, वंस ऑफ अस सोन, हम में से कोई उत्कृष्ट करता, द प्रोफेसर आउट सोन हिम, तो प्रोफेसर है वह उसे भी अच्छा करता। व्हेन आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर्क क्लीनिंग आउट ओवर हर्ट, और जब हमारे सुबह बहुत ही मेहनत पूर्वक हमारी झोपड़ी के सामने सफाई करते, वी लिसन इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर से प्रेज, तो हम वो सुबह का जो निरीक्षण अधिकारी है उससे प्रशंसा सुनते। द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विथ ए रिंगिंग, और वह प्रोफेसर है वह बाहर आता रिंगिंग विथ ए रिंगिंग गाते हुए, ड्यूटीफुल बीमिंग, और एक कर्तव्य प्रयाण बीमिंग यानी बीमिंग बीमिंग के साथ में, थैंक यू सर, और धन्यवाद देता। एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कंडेंसेंडिंग, कितना सुपीरियर यानी सर्वोत्कृष्ट है और कितना बेहतर है, ही वाज, वह, इट वाज ऑलवेज, और वह हमेशा ही होता था। लेट मी शो यू ओल्ड फेलो, हमें भी ऐसा ही देखना चाहिए, और नोट क्या नहीं, यू विल रुइन योर राइफल, आप अपनी राइफल को बर्बाद कर दोगे, दैट्स वे, इस तरीके से ओल्ड मैन, ओल्ड व्यक्ति। वी यूज टू प्राइड ओवर सेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, हम लोग या हमें इस चीज पर बहुत गर्व था कि हम किसी भी लड़ाकू विमान है उसको
पहचान सकते थे। वंस एक बार, आउट फॉर ए वॉक एक भ्रमण के दौरान, वी हर्ड द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवर हेड, हमने एक वायुयान है उसकी आवाज है हमारे सिर के ऊपर सुनी। नोन ऑफ अस कुड इवन सी इन द ग्लेयर ऑफ सन, और हम में से कोई भी व्यक्ति है वो सूर्य की चमक में उसको नहीं देख पाया। विदाउट इवन ए ग्लांस बिना एक झलक देखे हुए, अपवार्ड यानी ऊपर की ओर, द प्रोफेसर अनाउंस्ड, उस प्रोफेसर ने अनाउंस यानी घोषणा की, दैट ऑफ कोर्स निश्चित ही इज ए नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, यह उत्तरी अमेरिका का हार्वर्ड ट्रेनर यान है। इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड बाय द हार्स इंजन नोट, और इसको बिना किसी संकोच के इसके इंजन की जो आवाज है उसके द्वारा पहचाना जा सकता है। ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर क्रू, और यह इसकी उच्च जो उड़ान है उसके कारण होता है। व्हाट कुड ए गैंग ऑफ लोटस लाइक अस डू विथ ए मैन लाइक दैट, और हम जो बदमाश या जो बदतमीज या मोबाइली लोगों की जो गैंग या दस्ता था वो उस व्यक्ति का क्या कर सकते थे। नोन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट द ड्राउजी समर आफ्टरनून, और हम में से किसी भी व्यक्ति को वह उनिंदा करने वाली दोपहर की गर्मी याद है। विच वाज सच ए टर्निंग पॉइंट इन द प्रोफेसर लाइफ, और यह उस प्रोफेसर का जीवन के अंदर एक बदलाव का बिंदु था। वी वर स्प्रावलिंग कंटेंटली ऑन द वार्म ग्रास वाई विथ कॉर्पोरल टर्नबुल, और हम लोग हैं वो संतुष्टि पूर्वक जो घास है उसके ऊपर पैर पसार करके बैठे हुए थे। वाइल कॉर्पोरल टर्नबुल वाज टेकिंग ए लेसन ऑन द हेड ग्रेनेड, और उसी समय जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो हथकोले के ऊपर अपना एक लेसन दे रहा था। कॉर्पोरल टर्नबुल वाज ए यंग मैन, कॉर्पोरल टर्नबुल है वो जवान व्यक्ति था। ही वाज नॉट ए मैन टू बी ट्रिफल्ड विथ, और वह एक हल्का लेने वाला व्यक्ति नहीं था। ही हैड कम बैक फ्रॉम डनक्रिक विथ ऑल हिज इक्विपमेंट, और वह डनक्रिक शहर से लौटा था अपने सभी उपकरणों के साथ में, एंड अकाउंट फॉर और सभी चीजें, एंड हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट, और उसकी पालतू बिल्ली का बच्चा है वो उसकी जेब में था। ही वाज ओवर हीरो, वह हमारा नायक था। एंड वी यूज टू टेल ईच अदर, और हम सभी लोग कहते थे, दैट ही वाज सो टफ, कि वह इतना मजबूत है, दैट यू कुड हैमर नेल इन टू हिम विदाउट हिज नथिंग इट, कि आप में से कोई भी व्यक्ति है वो उसके अंदर या उसके शरीर में कील भी ठोक सकते हो। द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड, ग्रेनेड के बाहर, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हो, कॉर्पोरल टर्नबुल वाज सेइंग, कॉर्पोरल टर्नबुल ने कहा, इज डिवाइडेड अप इन टू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, यह कई टुकड़ों के अंदर बटा हुआ होता है, टू असिस्ट सेगमेंटेशन, टुकड़े हो जाने के लिए। 44, 44, व्हाट्स दैट, यह क्या है, द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, और कॉर्पोरल है उसने उसके कंधे के ऊपर से देखा। 44 सेगमेंट्स, 44 हिस्से, द प्रोफेसर बिम्ड एट हिम, प्रोफेसर है उस वह उसके ऊपर मुस्कुराया। द कॉर्पोरल सेड नथिंग, कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा, बट हिज ब्रो टाइटन्ड, लेकिन उसकी भरकुटी तन गई। ही ओपन हिज माउथ टू रिज्यूम, उसने पुनः शुरू करने के लिए अपना मुंह खोला। एंड बाय द वे, और उसी समय कॉर्पोरल वी ऑल थंडरस्ट्रक, हम स्तब्ध रह गए। द प्रोफेसर वाज स्पीकिंग अगेन, प्रोफेसर एक बार पुनः बोला, स्टूडेंट यू हैव स्टेड ऑफ विद द फाइव करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेनेड, क्या आपको जो ग्रेनेड या हथगोला है उसके पांच लक्षणों से शुरू नहीं करना चाहिए था क्या। और इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यू टू यू नो, हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो अन्य कैंपों में ऐसा ही करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इन द साइलेंस दैट फॉलोड, और वहां पर चुप्पी थी, ए डार्क फ्लश स्टेंड द टेन ऑफ द कॉर्पोरल फेस, और एक गहरी लालिमा है धूप से भूरे पड़े हुए जो कॉर्पोरल का चेहरा है उसके ऊपर छा गई। हियर ही सेड एट लास्ट, और उसने यह कहा, यू गिव दिस लेक्चर, आप इस भाषण को दो, एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर, और जैसा कि वह ज्यादा कहने से डर रहा हो। ही टॉस्ड द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर,
और उसने उस हथगोले गोले को उस प्रोफेसर की ओर कर दिया। क्वाइट अनएबेस्ड, बिना संकोच के, प्राइवेट कल्स क्लेम्ड टू हिज फिट, प्राइवेट कल्स है उसने दावा किया। वह क्लाइम्ड टू हिज फिट, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एंड विद द एयर ऑफ ए मैन, और एक इस व्यक्ति के हाव भाव के अंदर, इन टू हिज बर्थ राइट, गेव अस एन अनएक्सपेक्टेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड, और उसने हमें हथगोले के ऊपर एक प्रशंसनीय भाषण है वो दिया। द स्क्वेड लिसन इन ए काउड, और वो जो सैनिक दस्ता है उसने भयभीत होते हुए उसको सुना। हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस, और वहां पर एक भयभीत चुप्पी थी। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड, कॉर्पोरल टर्नबुल खड़ा हो गया। एंड वाच, और उसने देखा। इम्पेसिव एक्सपेक्ट ओ से सर्चिंग इंटेंडनेस ऑफ गेज, और वह इम्पेसिव एक्सपेक्ट, आशा के साथ में कि वह एक इरादा के साथ में घूर रहा हो। वेन द लेक्चर वाज, और जब भाषण फिनिश्ड, समाप्त हुआ, ही सैड, वह बोला, थैंक यू, धन्यवाद। प्राइवेट कल्स फॉल इन विथ अदर नाउ, फॉल इन विथ अदर नाउ, अब दूसरों के अंदर आप चले जाओ। ही डिड नॉट स्पीक अगेन अनटिल वी हैड फॉलन इन, और जब तक वह नहीं बोला, जब तक कि हम पंक्तिबद्ध नहीं हो गए। एंड वर वेटिंग टू द डिसमिस्ड, और विसर्जित होने का इंतजार करने लगे। देन ही एड्रेस अस, तब उसने हमें संबोधित किया। एज सून एज यू ही ओ एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड, आप में से बहुत से लोग हैं वो उन्होंने सुन लिया होगा। ही बिगेन डेलिबरेटली, वह बिल्कुल सचेतता पूर्वक उसने शुरू किया। द प्लाटून ऑफिसर हैज आस्क्ड मी टू नोमिनेट वन ऑफ यू फोर, और जो प्लाटून का अधिकारी है उसने मेरे को कहा है कि मैं आप में से एक व्यक्ति को नामित करूं। ही पॉज्ड एंड लुक्ड लिंगरली अप एंड डाउन, वह रुका और इधर और उधर लंबे समय तक देखने लगा। द रैंक एज इफ सीकिंग फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ ए डिसीजन, जिस तरह से वह उस निर्णय को पक्का कर रहा हो। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट, और यह एक महान समय था। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प क्लिंचिंग एट प्राइवेट कल्स, और हम में से कोई भी व्यक्ति है कुड नॉट हेल्प ग्लांसिंग एट प्राइवेट कल्स की ओर नहीं देख सके। हु स्टूड रिजली टू अटेंशन, और वह बिल्कुल दृढ़तापूर्वक खड़ा हुआ था। एंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और वह सीधा आगे देख रहा था। विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, और वह इस तरह से अभिव्यक्ति कर रहा था जैसे कि वह एक भोला और सजग व्यक्ति हो। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज, पाकशाला के अंदर स्थायी ड्यूटी के लिए आई हैव डिसाइडेड, मैंने तय किया है दैट प्राइवेट कल्स इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब, कि प्राइवेट कल्स है वो इस कार्य के लिए उपयुक्त है। ऑफ कोर्स निसंदेह, इट वॉज ए डोप जोक फॉर डेज आफ्टरवर्ड, इसके बाद में कई दिनों तक यह एक जोक या मजाक रहा। ए जोक, एक ऐसा मजाक, एंड ए जो टू ऑल ऑफ अस, हमारे सभी के लिए एक मजा। आई रिमेम्बर दो, मेरे को वो चीज याद है, यद्यपि मेरे को वो चीज याद है। माई फ्रेंड ट्रोवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट, मैं और मेरा दोस्त ट्रोवर है वो इसके बारे में बात कर रहे थे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद में, वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू अवर ओन हट, हम पाकशाला से हमारी जो हट या झोंपड़ी है उसकी ओर लौट रहे थे। वेल ठीक है, ट्रोवर रिमार्क एज वी पास्ट द कुक हाउस, और ट्रोवर है उसने इस तरह से टिप्पणी की जैसे ही वह कुक हाउस से गुजरा। आई रिकॉन दैट गीजर, मैं समझता हूँ कि वह व्यक्ति हैड हिज जॉब स्टॉप्ड फॉर ए बिट, उसने हैड हिज गोब स्टॉप्ड, अपने मुंह को खोलने के लिए अपना जो फॉर ए बिट एक क्षण के लिए। आई डिड नॉट आंसर, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, लेकिन उसकी ओर उसकी भुजा को देखा और उस कुक हाउस की ओर उसकी आर्म भुजा को पकड़ा और उस पाकशाला की ओर इशारा किया। थ्रो द ओपन डोर, और खुले दरवाजे से वी कुड सी द थ्री कुक्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, हमने तीन भोजन पकाने वालों को देखा अगेंस्ट द वॉल, उस दीवार के पास में, एज बी एट बे, जैसे कि वो किसी उलझन में हो। एंड फ्रॉम विद इन केम द मोनोटोनस बीट ऑफ ए फेम्युलर वॉइस, और वहां से एक परिचित उबाऊ आवाज आ रही थी।
रियली वास्तव में, आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एबोनिमेबल, मैं अवश्य इस चीज का विरोध करूंगा, एबोमिनेबल घृणित अनसाइंटिफिक अवैज्ञानिक एंड अनहाइजेनिक और अस्वच्छता पूर्वक मेथड ऑफ पीलिंग पोटेटो जिसके द्वारा आलू छीले जा रहे हैं। आई नीड ओनली ड्रा योर अटेंशन, मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टू द शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज, कि केवल जो विटामिन है उसकी वैल्यू को आप खराब कर रहे हो। वी फ्लीड, और ऐसा सुनकर के हम भाग गए। अलेक्जेंडर बैरन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।